हैप्पी रक्षाबंधन, मैं आ रहा हूँ आपका सर चंदन और अंत तक टिकाए रखेंगे दोस्तों आप लोग अपना नयन। आज ग्रीटिंग्स करने कुछ हम सीखेंगे, यूँ तो हमको आता है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कर देते हैं, लेकिन अगर पूछो किसी को कि व्हाट इज़ द कंप्लीट फॉर्म ऑफ गुड मॉर्निंग, तो बहुत कम को ये पता रहता है, सभी मुँह लटका देते हैं। व्हाट इज़ द कंप्लीट फॉर्म ऑफ गुड मॉर्निंग? हैप्पी न्यू ईयर बोल देते हैं। व्हाट इज़ द कंप्लीट फॉर्म ऑफ हैप्पी न्यू ईयर? तो अभी से सभी को बोलेगा हैप्पी रक्षाबंधन। तो क्या है कंप्लीट फॉर्म इसका? ये अधूरा है जो हम लोग बोल देते हैं, लेकिन सही मायने में इसका जो सेंस छुपा हुआ है वो ये है, आई विश यू अ हैप्पी रक्षाबंधन। आई विश यू मतलब मैं कामना करता हूँ अ हैप्पी रक्षाबंधन, आपके मंगलमय रक्षाबंधन की, आपके सुखद रक्षाबंधन की। तो आई विश यू अ का प्रयोग सब में होता है, जहाँ एन लगेगा वहाँ एन लगा देंगे। जनरली हम सामने वाले की ही कामना करते हैं, सामने वाले बोलते हैं कम हियर, मतलब यू कम हियर, यू छुपा हुआ है, इसलिए इन सब चीज़ों को हम, और जब बोलते हैं किसी को हैप्पी रक्षाबंधन तो साफ मतलब है कि हम आपके लिए कामना कर रहे हैं। तो ये सारी बातें अंडरस्टूड हो जाती है, मैं कामना कर रहा हूँ और आप सामने खड़े हो तो आप ही के लिए कर रहा हूँ, ये सारी बातें अंडरस्टूड हो जाती है, इसलिए नहीं बोलते। लेकिन सही मायने में ग्रामेटिकली अगर देखोगे आप तो ये पूरा कंप्लीट सेंस के लिए ये बोलना पड़ता है, आई विश यू अ हैप्पी रक्षाबंधन, आई विश यू अ गुड मॉर्निंग, आई विश यू अ हैप्पी मैरी क्रिसमस, आई विश यू अ हैप्पी दुर्गा पूजा, इस तरह कर आई विश यू अ हैप्पी जर्नी करते हैं, आई विश यू अ प्लीजेंट जर्नी। शादीशुदा लोगों के लिए अगर आप कामना करना चाहते हो, वर वधु के लिए, तो इसलिए मैंने यू में डॉट डॉट लगा दिया है। हर जगह यू नाम पकड़ के भी तो बोल सकते हैं कि मैं मोहन के सुखद जीवन की कामना करता हूँ, आई विश मोहन अ हैप्पी लाइफ। तो इस तरह से यहाँ यू में डॉट डॉट का मतलब है कि जहाँ बदलना चाहो बदल सकते हो, लेकिन जनरली यू का प्रयोग होता है क्योंकि सामने वाले सेम बात करते हैं। तो शादीशुदा लोगों को अगर वर वधु को देना है कामना तो क्या बोलोगे? आई विश ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम, वर वधु को, अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ, सुखद और समृद्ध जीवन की कामना करता हूँ। बैचलर वालों के लिए कामना नहीं करना पड़ता है सुखद और समृद्ध, शादी वालों को ही टेंशन हो जाता है, इसलिए कामना करते हैं भाई सुखी रहो, है ना। अगर बुरी बुरी कामनाएं आपके मन में है, होनी नहीं चाहिए, अगर है तो क्या कहेंगे? आई विश यू अ पिटीफुल या सोरोफुल लाइफ। वो हर जगह मैरिड लाइफ नहीं देंगे जिंदगी की, तो मैं आपके दुख दयनीय या दुखद जीवन की कामना कर दें, बद्दुआ शराब टाइप का हो गया। आई विश यू अन बोलेंगे आई विश यू अनसक्सेसफुल लाइफ, मैं तुम्हारे असफल जीवन की कामना करता हूँ। तो इस तरह बुरी बुरी कामनाएं भी हैं। तो आज से दोस्तों गुड मॉर्निंग अधूरा सेंस है, पूरी तरह से बोलने के लिए बोलता है आई विश यू अ गुड मॉर्निंग, लेकिन लोग समय बचाते हैं इसका प्रयोग करते हैं ज़्यादा, लेकिन ग्रामेटिकली ये सही है। तो शॉर्ट में दोस्तों आपको एक बार हैप्पी रक्षाबंधन, और कंप्लीट सेंस में आई विश यू अ हैप्पी रक्षाबंधन। बाय बाय दोस्तों।